मालूम हुआ कि टर्मिनोलॉजीज रट ली हैं और टर्मिनोलॉजीज में जो बात कही गई है वो रिज़्क़ रूह नहीं बनी। जवानों अजीजों बच्चों जरा ये छोटी छोटी मिसालों पर गौर करना कि इंसान की ग़िज़ा क्या है। यकीन है अधूरा जवाब दोगे। इंसान की ग़िज़ा क्या है? इंसान बहैसियत इंसान उसकी ग़िज़ा क्या है? रूह है इंसानी की ग़िज़ा, इल्म है। लेकिन अब मशहूर क्या है? यही खाना रोटी। ये तो आपके बदन की खुराक है। ये आपके बदन की खुराक है। ये जिस्म मादी है तो इसकी खुराक भी जमीन से पैदा होती है, उगती है। आपकी रूह आसमानी है तो उसकी ग़िज़ा भी आसमान से नाज़िल होती है। ये जिस्म ये बदन खाकी है ना, ये मादे का बना हुआ है तो इसकी ग़िज़ा भी कहाँ से उगती है? ज़मीन से। लेकिन आपकी रूह ज़मीन से नहीं उगी है। रूह है एब्स्ट्रैक्ट, रूह है नूरानी, रूह है मुजर्रद, रूह आसमानी हकीकत है। तो इस रूह की ग़िज़ा भी आसमान से नाजिल होती है। इसीलिए इल्म का शजर ज़मीन से नहीं उगता। और ये जितने हुक्म आए, सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, पाइथागोरस हो, ये जितने हैं आपको मालूम है इनका इल्मी शजरा कहां तक पहुंचता है? नबीउल्लाह इदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के शागिर्द हैं। यानी अगर वही इलाही ने हिकमत का आब हयात पिलाया ना होता तो ये खाक के कासे प्यासे रह जाते। ये जो हुकमा हैं, ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनके पास कहाँ से इल्म आ गया? ये भी तरश्यो है, ये नूर नबुवत है जो इन तक पहुँचा है। अम्बिया इलाही की रियाजत है जो इन तक पहुँची है। नबी इदरीस ने दर्स दिया, कुछ शागिर्द परवान चढ़ाए, उनके शागिर्दों के शागिर्द, उनके शागिर्दों के शागिर्द। जाहिर है कि उनमें फिर फहम जिसका जितना था उस एतबार से उसने बात आगे बढ़ाई। तो हुकमा का कौल हुज्जत नहीं होता, नबी का कौल हुज्जत होता है, इमाम का कौल हुज्जत होता है, किसी फलसफी का कौल हुज्जत नहीं होता। लेकिन ये कौल हुज्जत को समझने में मदद जरूर करता है। इसलिए सुनो, दर्स लेके जाओ, सबक लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। अरिस्टोटल को भी पढ़ो, प्लेटो को भी पढ़ो, सोक्रेटिस को भी पढ़ो, पाइथागोरस को भी पढ़ो, न्यूटन को भी पढ़ो, आइंस्टाइन को भी पढ़ो, सबको पढ़ो। पढ़ने का दरवाजा बंद ना करो। इल्म से वो डरते हैं जिनके दीन की बुनियाद खोखली हो।